हेलो एवरीवन। सो करेंटली वी आर लुकिंग इनटू विजन आईएस मंथली करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, इन विच वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड मेनी थिंग्स लाइक क्वालिटी एंड गवर्नेंस। वी हैव डिस्कस्ड इंटरनेशनल रिलेशनशिप, वी हैव डिस्कस्ड। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एनवायरमेंट। ओके, इकोनॉमी ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड। नाउ द नेक्स्ट पार्ट विल बी इन्वायरमेंट। फाइन। सो द फर्स्ट आर्टिकल इज ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस। अब ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, लेट्स स्टडी अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते किसे। सी देखिए, कोई भी चीज, ओके, ये यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन है दैट यू कैन पुट इट इन योर मेन्स ऑल्सो एज द फिजिकल स्ट्रक्चर्स, फैसिलिटीज, नेटवर्क्स एंड अदर एसेट विच प्रोवाइड सर्विस दैट आर एसेंशियल टू द सोशल एंड इकोनॉमिक फंक्शनिंग ऑफ अ कम्युनिटी और सोसाइटी। क्लियर? इससे बहुत क्लिस्टक क्लियर हो ही गया होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या। अभी रेजिलियंट की बात आती है, रेजिलियंस की बात आती है, उस पर अब हम देखते हैं। देखिए, जो रेजिलियंस होता है ये एबिलिटी टू परसिस्ट, रसिस्ट, एडेप्ट, इस तरीके से जब ये कर पाए उससे बोलते हैं रेजिलियंस। एक ये छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जैसे कि मानिए अब दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं, यूपीएससी से कनेक्ट करते हैं, तो इसलिए मैं दिल्ली का एग्जांपल देता हूँ। तो यहाँ पर अब बार बार देखते होंगे फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक्स आते रहते, ठीक है, बहुत हाई हेक्टेयर के ना आए बट आते रहते। तो अब इससे क्या है कि वो रेजिलियंट है या नहीं, ये तो नहीं है कि थोड़ा सा आ रहा है और उसी में क्या हो रहा है, पूरी बिल्डिंग्स जो है आपकी उसमें क्रैक आ जा रहा है, आपकी रोड्स जो है वो फट जा रही हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंट है? नहीं। तो वो जो भी वाइड रेंज ऑफ रिस्क रहे, चाहे आपका रेनफॉल बहुत ज्यादा हो जाए या कुछ ऐसा, वैसे कंडीशन में भी वो खुद को मेंटेन कर सके एक ऑप्टिमम लेवल तक। क्लियर? ये रेजिलियंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेजिलियंट यहां से अच्छे आपको क्लियर हो गई। डायमेंशंस में थोड़ा बहुत देख सकते हैं, वही जो मैंने आपको अभी बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कैन एब्जॉर्ब, रिस्पॉन्ड टू एंड रिकवर फ्रॉम हैजार्ड इवेंट्स एंड शॉक्स। जैसे मैंने बोला हैजार्ड इवेंट्स में जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, आपका ये फ्लड आ रहा है, कुछ भी से इश्यूज हो, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस लाइक दैट सपोर्ट ब्रॉडर सोशल एंड इकोनॉमिक और सोशल रेजिलियंस विदाउट जनरेटिंग और एक्यूमुलेटिंग न्यू सिमेंटिक रिस्क। अब ये नहीं है कि अगर मान लीजिए आपने कुछ इस तरीके का बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे कुछ और तरीके के इश्यूज हो गए, ठीक है, इस तरी और कोई तरीके के इश्यूज हो गए, वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस, ये यहाँ पे इसका ये मतलब होता है, ठीक है। यहाँ पर ये चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, बस ये उसी के रिलेटेड यहाँ पर ये चीजें हैं जो कि मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा है, आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। इसके बाद अब देखते हैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड है उसके रिगार्डिंग अब सिक्किम ने क्या किया है, विटनेस किया है ग्लॉफ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड ड्यू टू बर्स्टिंग ऑफ साउदर्न बैंक ऑफ साउथ लोनक लेक। तो जो साउथ लोनक लेक है वहां पे ये चीज हुई, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा जा सकता है, ये आपका लाचेंचू रिवर जो है और लाचंगचू ये मीट करते हैं चुंगथांग पे, जो कि फ्लो करके आखिरी में कहाँ मिलता है, तीस्ता रिवर पर, ठीक है, जो कि मिलते हैं बाद में तीस्ता रिवर पर। ओके, अब जब ये जो ग्लेशियर की जो मेल्टिंग हुई है, ठीक है, साउथ लोनक लेक पर, उसने क्या किया है, एक्सपीरियंस्ड एक्सेलरेटेड मेल्टिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। अब वहां पे जो क्लाइमेट चेंज के कारण क्या है, मेल्ट वो बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है, दिस लेड टू लेक्स एक्सपांशन। अब लेक एक्सपांशन, अब मानिए कि कोई भी आइस है, ठीक है, जब वो मेल्ट होगा तो ऑब्वियसली बात है आसपास के एरिया में जब वो जाएगा, जैसे कि लेक में जा रहा है कहीं और जा रहा है, तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, लेवल भी राइज होगा, वही हो रहा है यहाँ पे, लेक का एक्सपांशन हो रहा है। तो ग्लॉफ एज द प्रेशर एंड वॉल्यूम रीच्ड एट क्रिटिकल पॉइंट कॉजिंग द लेक टू ब्रीच इट्स बाउंड्री। भाई बाउंड्री होती है ना, ये मान लीजिए तालाब है ऐसा, अब इसके ऊपर अब चीजें आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही है, प्रेशर आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, सब आ रहा है,
ब्रीच करके फिर वो बाकी जगह निकलना चालू करे, है कि नहीं? वो इसी के रिलेटेड जो है यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। हम बहुत बार सुनते हैं कि ग्लेशियर पिघल रही है, जिससे क्या होगा, सी लेवल राइज होगा और काफी ज्यादा जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है सीशोर के आसपास, चाहे इंडिया रहे जैसे मुंबई डूबे का, बाकी मालदीव हो सकता है कि दिखे ही ना आसे 50-70 साल बाद। ओके, तो ये इसका एक कंसर्न है जो कि यहाँ पर न्यूज में आया हुआ है। अब जो आउटबर्स्ट बोलते हैं, सडन रिलीज ऑफ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर रिटेड इन अ ग्लेशियल लेक। जो ग्लेशियल लेक भी जो होता है कि वो, अब बहुत बार देखते होंगे कार्टून्स पसंद है टॉम एंड जेरी वगैरह, या कोई वैसा भी, तो उसमें दिखाता है कि इस तरीके से एरिया होता है, यहाँ पे सब स्केटिंग करते रहते हैं, ठीक है, टॉम जेरी के एक दूसरे के पीछे जाते रहते हैं या फिर जो स्केटिंग करते हैं, तो ये लेक ही होता है एक्चुअली में, लेकिन वो फ्रोजन लेक होता है। बट जब आउटबर्स्ट होता है तो एकदम से ये फ्रोजन लेक जो है डिफ्रोज हो जाता है और वो आपके कहाँ चले जाता है, आसपास के एरिया में, और जिसमें जैसे लेक है या कहीं है तो वहां पे आके वो मिल जाता है, और जिससे कि उसका लेवल अप होता है। लेवल अप होने के कारण क्या है, फिर वो नए नए रास्ते तलाशने लगते हैं, और ये बहुत सारे फिर इश्यूज होते हैं कि सी लेवल राइज हो जाना, या फिर जो लेक है उसका लेवल राइज होना, एंड सो ऑन। अब ये इस पे तो हम देख ही रहे हैं 1.2, 1.5 से 2% के बीच में ही ग्लोबल वार्मिंग होनी चाहिए 2100 के आसपास, ठीक है, और जब वो होगा तो 30 से 50% जो वॉल्यूम है जो 2015 में था ग्लेशियर का, वो खत्म हो चुका होगा। अब आप समझ रहे हैं, 1/3 से ज्यादा ग्लेशियर खत्म हो चुका हो, तो ये एक बहुत मेजर चैलेंज है जो वो, और ये टाइम ही कितना, सिर्फ 70-80 साल में, ठीक। चलिए, तो उसी के रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है और वही सब चीजें हैं, कुछ गाइडलाइंस वगैरह दी हुई होती है। गाइडलाइंस में वही है, हैजार्ड एंड रिस्क मैपिंग, मॉनिटरिंग, रिस्क रिडक्शन एंड मिटिगेटिंग मेजर्स, ये सब जो चीजें हैं ये आप मेंस में लिख सकते हैं। तो जब भी आप, वैसे भी जब आप प्रीलिम्स जो दे दें उसके बाद आपको फिर से जून से उठाना है ये, और उसको थोड़ा मेंस के तरीके से फिर देखना है और फिर नोट्स बनाना है। अभी आप प्रीलिम्स के हिसाब से भी बना रहे हैं तो भी चलेगा। ओके ठीक है, ये सब हमने जो है अभी डिस्कस कर लिया। चलिए अब देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज, लाइक जो कोरल रीफ के रिगार्डिंग है। जो कोरल रीफ है आपका, ब्रेक थ्रू वॉज लॉन्च्ड बाय इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, ये यहाँ पे किया गया है। इसका मेन एम क्या है, इसका मेन एम क्या है कि प्रिवेंट करना एक्सटेंशन ऑफ एटलीस्ट 1,25,000 किलोमीटर² ऑफ सैलो वाटर ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स। तो इतने कोरल रीफ्स को एक्सटिंक्ट होने से बचाना है, 1,25,000, और ये Target 3 है क्यूनिमिंग मॉनिट्रल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क। वो भी यही कहता है कि एटलीस्ट 30% जो है आपका टेरिस्ट्रियल, मीन्स आपका लैंड है, इनलैंड वाटर एरिया है ना, जैसे कि वो पॉन्ड्स वगैरह जो बने रहते हैं और ये सब जो हो जाता है, एंड मैराइन एंड कोस्टल एरिया शुड बी कंजर्व बाई 2030। वहां से लाइक डिफोरेस्टेशन या ऐसा, या फिर डिजर्टिफिकेशन, ऐसा कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ओके तो ये है आपका कन्विंग मॉनिटर ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क, ठीक है, तो ये इसी के तहत में फाइन। इसके बारे में अगर देख रहा हूँ, कोरल रीफ इनिशिएटिव जो है ये 1994 में लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, जमाइका, फिलीपींस, स्वीडन, यूके, यूएसए। ये काफी ज्यादा सी शोर है यहाँ पे, मेन रीजन है, और काफी ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत ज्यादा कोरल रिप्स पाई जाती है कि नहीं? तो इन्होंने यहाँ पे किया था। इंडिया मेंबर है, यस इंडिया मेंबर है, इस्टेब्लिश में भले ना था लेकिन बाद में मेंबर है, क्योंकि हमारा भी तो काफी ज्यादा ये है ना कोस्ट लाइन इधर, और अंडमान निकोबार और इस एरिया में लक्षद्वीप वगैरह जो है, तो यहाँ पर तो काफी ज्यादा कोरल रिप्स है ही, है कि नहीं? तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये चीज है। तो ये बोला जो गया है 1,25,000 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो बचाना है,
उतना कम से कम बचाना। फाइन, इसी को कहा गया कोरल रीफ ब्रेक थ्रू। चलिए इसके बाद देखते हैं नेट जीरो रोड मैप। देखिए आर्टिकल्स बहुत सारे होते हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है या फिर लगे एग्जाम में आते हैं वही आई एम डिस्कसिंग। बाकी पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाता है, तो वहां से इफ यू वांट यू कैन रीड ईच एंड एवरीथिंग, इट इज नॉट एन इश्यू। अब आपका नेट जीरो रोड मैप, तो जो नेट जीरो रोड मैप है रिलीज्ड बाय आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये इस प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है, या एक तो ये हो जाएगा। और नेट जीरो रोड मैप ये क्या चीज से रिलेटेड है, ये भी पता होना चाहिए। टाइटल्ड ग्लोबल पाथवे टू कीप द 1.5 डिग्री सेल्सियस गोल इन रीच, ठीक है, तो नेट जीरो रोड मैप इससे रिलेटेड भी है, कैसे भी करके स्टेटमेंट बना देगा। अब आप जीरो से कंफ्यूज हो जाएंगे, नेट जीरो बोल रहे हैं, 1.5 डिग्री की बात हो रही है, तो ये इसी से रिलेटेड है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ये याद रखना है। ओके, और कटिंग मिथेन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, तो फॉसिल फ्यूल से मिथेन को क्या करने की बात की जा रही है, कट करने की बात की जा रही है। अच्छा सर, मिथेन जो है ना और क्या क्या चीजों से होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में क्या मिथेन निकलता है, रिलीज होता है, यस होता है। एनिमल हस्बेंड्री जो हम करते हैं क्या उससे होता है, यस उससे भी होता है। फाइन, ये देखिए, और बाकी जो कटिंग की जब बात की जा रही है तो वो है आपका सीसीएसी, जो कि 2012 में फाउंड हुआ, कन्वेंट क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम ने किया था। ये क्या है, टू रिड्यूस शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट, शॉर्ट लिव्ड अगेन है ना, शॉर्ट लिव्ड कौन कौन से, मिथेन, ब्लैक कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, दैट ड्राइव्स बोथ क्लाइमेट चेंज एंड एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके लिए किया गया है, अगर मिथेन मिटिगेशन किया जाएगा फॉसिल फ्यूल से तो वो अवॉइड कर पाएगा 0.1 डिग्री वार्मिंग बाय 2050, ठीक है, ये भी एक बड़ी बात हो जाती है। 0.1, जब हम टारगेट रख रहे हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़े, अभी हमने देखा ही है ना, 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़े, तो यहाँ पे अगर ये 0.1 ये कम कर पा रहा है तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल, ये आप कोट कर सकते हैं। Without targeted action on methane, increase in global average surface temperature likely to be exceed 1.6. जो हम चाह रहे हैं 1.5 के अंदर है, वो नहीं हो पाएगा, 1.6 exceed कर जाए। और मिथेन मिटिगेशन से क्या क्या बचाया जा सकता है, प्रिवेंशन, तो नियरली 1 मिलियन प्री मेच्योर डेथ, 1 मिलियन 10 लाख प्री मेच्योर डेथ बचाई जा सकती है, जो कि ओजोन एक्सपोजर से हो रही है, ठीक है। ओजोन क्या होता है, O3, O3 is ओजोन, O2 जो है वो हमारे लिए जरूरी है, वो ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये चीज समझने वाली बात है कि O2 O3 में क्या डिफरेंस है। इसके बाद जो 90 मिलियन टन ऑफ क्रॉप लॉसेस, अगर ये नहीं किया तो 90 मिलियन टन जो है क्रॉप का लॉस होगा, 85 बिलियन आवर्स ऑफ लॉस्ट लेबर ड्यू टू हीट एक्सपोजर, 85 बिलियन आवर्स समझते हैं कितना हो जाएगा, बहुत सारे लोग काम नहीं कर पाएंगे उस पर्टिकुलर 1 घंटे 10 घंटे तक, इसलिए करोड़ों लोग जो 10 घंटे डेली काम नहीं करेंगे तो साल भर में कितने आवर्स लगेंगे, तो 85 बिलियन आवर्स, ठीक है। तो यही सब है इसके रिलेटेड चीजें हैं यहाँ पर, जिसमें आपको बताया था एग्रीकल्चर के थ्रू काफी होता है ना, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, लैंडफिल्स, ये सब के कारण भी बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस स्पेशली मिथेन जो है रिलीज होती है, ठीक है। चलिए, इनिशिएटिव जो है ग्लोबल मिथेन प्लेच है COP26 का, इन 2021 में लिया गया था, और इस तरीके से बहुत सारे कि टू कट मिथेन बाय एटलीस्ट 30% बाय 2030 फ्रॉम 2020 लेवल, तो एक ये भी है 2050 का जो टारगेट है, लेकिन 2030 हर लेवल पे टारगेट लगा के रखा हुआ। ओके, फाइन, इंडिया रनिंग आउट ऑफ फॉस्फोरस, ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है, आउट ऑफ फॉस्फोरस इज़न्ट इट,
इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। फॉस्फोरस क्या है? एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। अब ये पूछ देगा कि माइक्रो है किस इन स्टेटमेंट में, तो वो ये मैक्रो है, ठीक है। मैक्रो एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ विच इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, फॉर क्या क्या चीज, फोटोसिंथेसिस के लिए, एनर्जी ट्रांसफर एंड न्यूट्रिशन मूवमेंट विद इन द प्लांट, स्ट्रॉन्ग रूट डेवलपमेंट, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसके लिए है। तो इंडिया जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ फॉस्फोरस भी है। मोस्ट ऑफ इट केम फ्रॉम कैडियम लैडम डिपॉजिट ऑफ वेस्ट अफ्रीका, यहां से आता है, ठीक है। लार्जेस्ट इंपोर्टर है और ये चीज में ये यूज होता है। और जो फॉस्फेट रॉक है वो मेनली कहां पर है इंडिया में? राजस्थान और मध्य प्रदेश, बाकी जगह भी डिपॉजिट है, आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश ये सब में, लेकिन मेन जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है फॉस्फोरस का? इससे ग्रोथ ऑफ टॉक्सिक एल्गा ब्लूम, एल्गा ब्लूम जिसे पानी में मिल जाता है तो काफी ज्यादा न्यूट्रिशन उसमें चला जाता है, और न्यूट्रिशन में जाने के कारण क्या होता है, रन ऑफ एंड थ्रू सीवेज विच लीड्स टू ग्रोथ ऑफ टॉक्सिक एल्गा ब्लूम। इसके अंदर जो है हरे हरे एक एल्गा ब्लूम जो है इसके ऊपर सतह पे आने लगते हैं। इससे क्या होगा, अगर सतह पे पूरा एल्गा ब्लूम आ जाए किसी भी पॉन्ड या किसी भी इस पे, तो नीचे के सरफेस पे क्या होगा, हवा नहीं जा पाएगी, है ना, क्योंकि ऊपर तो ये आ गया, उससे उसके नीचे के एक्वेटिक लाइफ है उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, इसलिए बोला गया टॉक्सिक एल्गा ब्लूम, ठीक है। चलिए, और ये जो है बाई एक्यूमुलेटिंग इन द ह्यूमन बॉडी एक्सेलरेटिंग हार्ट डिजीज। अब क्या होता है कि अगर कोई भी चीज, अगर मान लीजिए फॉस्फोरस शरीर में आ गई, जब आ गई तो जितनी आ रही है हम एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे, ठीक है, आइदर थ्रू यूरिन और किसी भी तरीके से, तो बाहर नहीं जाता जा पाता है, चाहे स्वेट या किसी भी तरीके से, तो बॉडी में जमा होते रहता है। तो ये जो वर्ड हो गया आपका बाई एक्यूमुलेटिंग, फिर से फॉस्फोरस आएगा, फिर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, तो बढ़ता ही चला जाता है, ठीक है, शरीर के अंदर। तो ये हो गया बायो एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेट हो रहा है शरीर में, इसके कारण क्या होता है हार्ट डिजीज हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है हार्ट डिजीज हो जाती है। अब देखा जाए कैनो कैर्पस ट्रीज, तो जो कैनो कैर्पस ट्रीज है वो गुजरात गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, कैनो कैर्पस ट्रीज, ये थोड़ा सा आप नोट कर लें एक जगह। और ये है क्या कि नेटिव ट्रॉपिकल रीजन से आया है, मतलब ये जो है नेटिव ट्रॉपिकल रीजन से आया है। इससे दिक्कत क्या है कि इसे कोल्ड, कफ, एलर्जी, अस्थमा ये सब हो सकता है, क्योंकि ये बस एक डेकोरेटिव ऑर्नामेंटल की तरह यूज होता है, ठीक है, ये डेकोरेट करके जैसे मनी प्लांट वगैरह होता है वैसे काइंड ऑफ डेकोरेट के लिए ही होता है, लेकिन इसे कफ, अस्थमा, एलर्जी ये सब हो सकती है, ओके। इसके बाद अमेजोन रिवर बेसिन की बात की जाए, तो जो वहां पर लेक है पूरा क्यूकरा, जो प्यूरा क्यूकरा जो लेक है वहां पे सूख गई है, अब ये बहुत बड़ी बात है। अमेजॉन रिवर बेसिन जो कि पहले फ्लोटिंग विलेज था तैरता हुआ, अब एक मड की तरह हो गया, मड फ्लैट, ठीक है, कीचड़ कीचड़ सा हो गया है। लेक लाइज ऑन अमेजॉन रिवर बेसिन विच इज फेसिंग सीवियर ड्रॉट, क्यों हो रहा है? तो अल्निनो एंड वार्मिंग ऑफ नॉर्दर्न ट्रॉपिकल अटलांटिक ओशियन वाटर, ठीक है, तो एलिनो है और दूसरा ये जो उसके कारण यहाँ पे जो गर्म हो रहा है अटलांटिक ओशन उसके कारण। अब अगर अमेजोन की बात की जाए, क्योंकि क्यों बड़ी बात है इस तरह से ड्राइड अप हो जाना, क्योंकि लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है वर्ल्ड का अगर वहां पे उस बेसिन में कोई एरिया में कहीं ड्राई अप हो रहा है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। लगभग 34% साउथ अमेरिका का कवर कर देता है, 34%, कैन यू गेस। हार्बर्ड जो है 60% ऑफ वर्ल्ड रेनफोर्स्ट रेन फॉरेस्ट, 10% ऑफ द प्लैनेट्स नोन फॉर्म ऑफ लाइफ, जितनी भी लाइफ है प्लैनेट पे उसका 10% सिर्फ इस अमेजॉन रिवर बेसिन, ठीक है, इतने कंट्रीज है, इतना सारे बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन 10% बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। 34% साउथ अमेरिका का एरिया है, और वो उसको मतलब एक तरीके से भी कहा जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ, कि वहीं से इतना ओटो रिलीज होता है अमेजॉन फॉरेस्ट से, ओके। तो ये आपका इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोथ पासेस थ्रू इट, ये ब्राजील से पास होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुएना, पेरू, सुरीनेम और वेनेजुएला, ये सब पे भी क्या है ये कवर करता है इसे, ठीक है, अमेजोन रिवर बेसिन जो है इसे भी कवर करता है। पेट्रोलियम कोक या फिर पेटकोक की जो बात की जाए,
ये आपका एयर क्वालिटी से रिलेटेड जब बात चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था कमीशन की एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में, तब ये बताया गया कि जो कोल है ना उसे रिप्लेस कर दिया गया है पेट कोक से। क्यों? क्योंकि उसमें कैलोरीफिक वैल्यू जो है बहुत ज्यादा होती है, और उसमें क्या है लेस वोलेटाइल है, और ऐश में राख भी काफी कम प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसी कारण जो है ये यूज होता है। और ये क्या, इट इज यूज इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। इसे कहाँ का सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, लाइम किल्न्स, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स, एल्यूमिनियम एनोड्स, यहां पर ये यूज किया जाता है पेट कोट। फाइन, अब ये है आपका अन यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर गोवर्धन। तो जो यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल है गोवर्धन का एंड बायोगैस प्लांट नेशन वाइड, ठीक है। तो पे असिस्टेंस दिया जा रहा है कितना, 1500 रुपये पर मेट्रिक टन। अब जो गोवर्धन है इसका फुल फॉर्म देखा जाए जिसे गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स, तो गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक उसे ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, धन से मतलब पैसा, ठीक है, पैसे को धन कहते हैं। तो ये जो है गोवर्धन स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति नहीं लाया गोवर्धन, ठीक है। टू एम जनरेट वेल्थ, क्योंकि धन का मतलब क्या होता है, वेल्थ होता है। टू जनरेट वेल्थ एंड एनर्जी बाई कन्वर्टिंग कैटल डंग, एग्रीकल्चर रेसिड्यू एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट इंटू बायोगैस सीवीजी एंड बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। चलिए अब ये PET46 क्या है, अभी सीधे आप ये याद रखिए, PET46 ही करके आपको पूछ सकता है एक्रोनिम देकर। ये पॉलीएथिलीन टेरा फेटलेट डिग्रेडिंग एंजाइम, ये जो है ठीक है, लेकिन PET46 एक ये डीप सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि फर्स्ट टाइम पाया गया है, ठीक है। ये जो है फर्स्ट टाइम पाया गया, ये पीटी जो है लाइट वेट प्लास्टिक है दैट इज वाइडली यूज्ड फॉर पैकिंग फूड। तो जो फर्स्ट टाइम पाया गया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो आपका डीप सी के अंदर भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ये चीजें हैं, ठीक है। तो वहां तक ये पॉल्यूशन एक तरीके से देखा जाता है फैल भी गया। ये है आपका मानिस मिस्टेरिया, न्यूली डिस्कवर्ड स्पेसिमेन ऑफ पेंगोलिन, मानिस मिस्टेरिया। तो अगर पेंगोलिन की बात की जाए तो क्या ऐसा इकलौता मैमल है जो पूरा कवर है स्केल्स, ठीक है, पूरा स्केल से कवर्ड है। ये देखिए आप देख सकते हैं पूरा स्केल से कवर्ड है मानिस मिस्ट्री। ओके, उसके बाद है आपका डैम सेल्फी स्पीसीज। तो ये जो है आपका न्यू डैम सेल्फी स्पीसीज फाउंड इन द वेस्टर्न घाट केरला, नेम्ड अरमा गेडॉन रेड रेड टेल, ठीक है। ये क्या टर्म यूज टू डिस्क्राइब द डिवेस्टेटिंग डिक्लाइन ऑफ इंसेक्ट, ये डिक्लाइन ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में। फाइन, ये इसी का आपको इमेज दिख रहा होगा, टेम सेल्फिया स्पीसीज। पिंक बॉलवॉर्म, तो पिंक बॉलवॉर्म है वो, जिसे आपने बीटी कॉटन के बारे में सुना होगा कि वो काफी ज्यादा आपका रेजिस्टेंट टाइप का है, कि क्लाइमेट रेजिस्टेंट है, पेस्ट रेजिस्टेंट है, बट क्या है, जो पिंक बॉलवॉर्म है PBW, उसके कारण जो कॉटन है बीटी कॉटन उस पे इम्पैक्ट पड़ा है, और पिछले 2 डिकेड में इतना बुरा डैमेज नहीं हुआ था जितना अभी हुआ है पिछले 2 डिकेड में, 20 सालों में, ठीक है। जिससे क्या हुआ, रिड्यूस हुआ यील्ड, उसके जो पैदावार है कम हुई, और क्वालिटी में भी गिरावट आई है, ठीक है। तो ये है आपका पिंक बोलवॉर्म, ये आपको यहां पर ऐसे याद रखें। इसके बाद कमलंग टाइगर रिजर्व, ये जो आपका कमलंग टाइगर रिजर्व है ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में कमलंग रिवर के पास में, ठीक है। और वहां का एरिया कैसा है, सब ट्रॉपिकल। ये आपको चीजें बस छोटे छोटे याद रखनी है। 15 मिनट सिटीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सीधे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ये क्या है, अर्बन प्लानिंग कॉन्सेप्ट है दैट एडवोकेट्स पुटिंग एसेंशियल सर्विस विद इन वॉकिंग और बाइकिंग डिस्टेंस। क्योंकि अब अगर इंसान
कोई भी काम रहे के लिए निकले, और उसे सामान जो भी एसेंशियल है, खाने का है, पीने का है, जो भी है, हॉस्पिटल रहे, एंटरटेनमेंट रहे, जो रहे, अगर 15 मिनट के दूरी पे रहेगा तो वो वहीं पे जाएगा, सामान लेगा, रूम वापस आ जाएगा। जितना अननेसेसरी कम ट्रेवल करेगा उतना ज्यादा पॉल्यूशन कम होगा, करेक्ट। इसलिए 15 मिनट सिटीज का जो है ये मॉडल लाया गया है टू हेल्प फॉस्टर अ मोर लोकल हेल्थी इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ। ठीक है, ये क्या चीज के लिए किया जा रहा है? टू रिड्यूस पॉल्यूशन। ओके, चलिए, आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। तो बाकी जो भी बचा है हम वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।